जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली द्वारा जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भूधसाव के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन संबंधी बुलेटिन जारी किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोशीमठ नगर क्षेत्र में कुल 678 भवनों में दरारें दृष्टिगत हुई हैं। सुरक्षा के दृष्टिगत कुल 81 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र अंतर्गत अस्थायी रूप से 213 कक्षों को निवास करने योग्य चिन्हित किया गया है, जिनकी क्षमता 1191 आंकी गई है। इसके साथ ही नगर पालिका जोशीमठ क्षेत्र से बाहर पीपल कोठी में 491 कक्षों और हॉल को चिन्हित किया गया है, जिनकी क्षमता 2205 है। प्रभावित परिवारों को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न किट और कंबल वितरित किए गए हैं। 53 प्रभावित परिवारों को ₹5,000 प्रति परिवार की दर से आवश्यक घरेलू सामग्री हेतु धनराशि वितरित की गई है। कुल 63 खाद्यान्न किट एवं 53 कंबल उपलब्ध कराए गए। 50 प्रभावित व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट।